इनकी शादी लगभग 10 साल हो चुके थे। Yes. और इनके पास कोई भी संतान नहीं था। लगभग 9 साल तक इन्होंने काफी दवा कराया। हाँ। और कई जगहों पर ये बता रहे हैं कि मैं गए वहां पर, आप बहुत सारी दवाओं को इन्होंने खाया और डॉक्टर को भी इन्होंने दिखाया, डॉक्टर में जांच कराया तो बहुत ज्यादा समस्या इनको बताया था और संतान के लिए, संतान के लिए 10 साल, 10 साल, 10 साल से संतान इनके पास संतान नहीं था। ओ, और इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी में थी, लोग इनको बहुत बुरा भला कहते थे कि इनके पास संतान नहीं होगा, इस तरह से पूरा परिवार हमेशा रोते थे, दुख सहते थे, बांझ की एक नाम धराई सहते थे। बांझ बोल देते ना लोग जब संतान नहीं आता तो, संसार के लोग चिढ़ाने के लिए वैसे बोलते थे। फिर क्या हुआ? और फिर एक बार जो है इनके घर में 9 साल के बाद एक संतान आया घर में। हाँ। लेकिन वो बीमारी की वजह से वो संतान नहीं रहा। 9 साल के बाद एक संतान आया पर वो बीमारी की वजह से नहीं रहा, जैसे मैंने अभी आपको वचन समझाया। हाँ। फिर उसी के साथ इन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आने लगे, जब ये यीशु मसीह को ग्रहण किए, परिवार के साथ आना शुरू किए, और ये फिर जब यहाँ पे प्रभु के दास प्रार्थना, परमेश्वर पापा जी प्रार्थना कर रहे थे। हाँ। तो प्रभु के दास जब इनके लिए दुआ कर रहे थे, उसी समय अपने जीवन में उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किए, वचन को, वर्ड को इन्होंने अपने जीवन में ले लिया, रिसीव कर लिया, और परमेश्वर ने इस पूरे परिवार को ब्लेस किया है, ब्लेस किया, और इनको 10 साल के बाद एक बेटी देकर इनको आशीष किया है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दो, हालेलुया। ऑनलाइन 10 साल के बाद, मैंने बीते कल सुना था बृहस्पतिवार के दिन, 8 साल के बाद प्रभु ने कल एक परिवार को प्रभु ने आशीष दिया, और आज हम देख रहे हैं 10 सालों के बाद, 10 सालों के बाद परमेश्वर आशीष दिया। आमेन। ये बेटी हुआ, बेटा है सर, बेटा, वाह बेटा, ताली बजा के प्रभु को महिमा दे, हालेलुया। ओ जी, अभी ये भाई भी रो रहे हैं खुशी के साथ, जब हमको प्रभु देते हैं ना तो खुशी के आंसू गिरते हैं ना। जो बात सच्चाई में, जो बात दवा कर नहीं सकी, जो बात जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं किया, जो बात संसार की शक्ति ने नहीं किया, पर वो बात मेरा प्रभु ने, मेरा प्रभु के लिए। दूसरा राजा की किताब और उसका 18 वचन नहीं याद आ रहा है, उसके लिए सारा काम आसान है, सॉरी, दूसरा राजा अध्याय 3 उसका 18वां पद लिखा है, मेरे प्रभु के लिए एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। हाँ या ना? आज 10 साल के बाद प्रभु ने संतान दिया। इन्होंने कोई डॉक्टरी नहीं लिया, इन्होंने कोई ऐसा सक्सेस मेडिकल, पर प्रभु ने करा के थक गया, परेशान हो गया। 10 साल के बाद यीशु मसीह ने, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोला है सर। भोला, आप यीशु से प्रेम करते हो ना? जी सर। दोनों लोग? जी सर। प्रभु के साथ ईमानदारी से रहोगे? यस सर। गुड। क्या नाम है इस बेटे का? अंकुश राज सर। हाँ, अंकुश, 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 अंकुश। जी सर। गुड, अच्छा नाम है। इसके जीवन में यीशु मसीह का अंकुश लगा रहेगा, कभी गलत काम नहीं कर पाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। ये गवाही देखो, अगर आप इस गवाही को सुन रहे हो और रिसीव कर रहे हो, जिसके पास संतान नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने लोग देख रहे हो, अगर आपके पास संतान नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में भी देने जा रहे हैं यीशु मसीह। आमीन। आपका फैमिली में कोई बांझ ना होगा, भजन 113 और उसका 9 पद लिखा है, कोई बांझ ना कहलाएगा, प्रभु अपना वचन पूरा करता है। मेरे प्रियो, बीते कल में भी 8 साल के बाद और ये 10 साल के बाद, ये आपका प्रभु करता है। आमीन। ये प्रभु के लिए छोटी सी बात है, बोलो, ये प्रभु के लिए छोटी सी बात, पर हमारा आत्मा, हमारा दिल, हमारा खुदा के प्रति समर्पण सच्चाई के साथ होना है। आमीन। अपराध के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ। आमेन, हालेलुया। सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी आपके लिए। आमेन। एक बार ऊंची आवाज में ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें, ताली बजाएं, हालेलुया। इस गवाही के लिए जोरदार ताली बजाएं, बोले यीशु मसीह की। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।